आयोनिक रेडियस किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जिससे कैटायन फॉर्म होगा, लेकिन अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एन आयन फॉर्म होगा। आयोनिक रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एन आयन इन आयोनिक क्रिस्टल, इसी को आयोनिक रेडियस कहते हैं। कैटायन अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है क्योंकि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, लेकिन एन आयन अपने पेरेंटल एटम से बड़ा होता है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज एन आयन में डिक्रीज होता है। आयोनिक रेडियस फ्लोरीन का 136 पिकोमीटर होता है, जबकि एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का 72 होता है। इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस सोडियम का 186 होता है, जबकि आयोनिक रेडियस 95 पिकोमीटर होता है। शॉर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।